ये वाला मेरा वीडियो जो है उन लोगों के लिए है, दोनों पक्ष के लिए है। एक वो पक्ष जो बड़ी मेहनत करता है, सबसे पहले सुबह उठता है, रात को सबसे बाद में सोता है और गालियां खाता है, और दूसरा वो पक्ष जो सुबह से रात तक सिर्फ आलस करता है, साला हरामखोर। ये ऐसी गैंग है पूरी, कुछ नहीं करता, सिर्फ नीचे जाके वीडियो में कमेंट कर देता है, फोटो में कमेंट। मैं बात कर रहा हूं इस देश के हर पहलवान के बिहाफ में, मैं बात कर रहा हूं इस देश के हर उस बच्चे को जो जिम जाता है सुबह उठ के, जो या तो ट्रेनर है या जिम जाता है, लोहा उठाता है, मेहनत करता है, और ये कमीने नीचे आके नीचे लिख देते हैं, अबे तुम तो डब्बे खाने से बन गए, इंजेक्शन लगाने से बन गए। सुनो बे, मैं एनाबॉलिक्स स्टेरॉइड्स का कोई समर्थन नहीं करता हूं, ना कभी करूंगा, ना कभी जिंदगी में लिया है, कोई ऐसा नशा नहीं किया और ना कभी करूंगा। बात यहां पर ये आती है, कौन है वे साले? ये एक बंदा वहां पर जाके अपने वजन से डबल हैवी लिफ्टिंग जब होती है, लेग्स किए कभी तुमने? कभी मारा अपनी औकात से ज्यादा बाइसेप ट्राइसेप बैक मारी है? कभी कभी ट्रैप्स मारे हैं, कभी लेट्स मारी है, कभी कोर किया, एब्स किया कभी साले? कभी लोअर बैक का दर्द झेला है? कभी साले पैर जब फटते नीचे काफ मसल्स किए कभी सालो? एक ट्राई इतनी सी ना, कभी अबे ट्रेपीजियस कर लोगे, मर जाओगे, हिल नहीं पाओगे साले। यहां प्रॉब्लम ये है ना, इनने किया कुछ नहीं, और क्या कहते हैं डब्बे। एक काम करो बे, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर जो ये लिखते हैं ना कि डब्बे खाने से बॉडी बनती है, मसल्स बन जाती है, एक काम करो मेरे साथ आओ, मेरी टीम से संपर्क करो, वन डिजिटल वाले जो काम ये वाला वीडियो शूट करे, ODE से संपर्क करो, मैं एक साल का 365 दिन का पूरा प्रोटीन देता हूं, वे प्रोटीन की बात कर रहा हूं, और पूरे तुमको जितने सप्लीमेंट्स लगते हैं, जिंक लगता है तुमको, मैग्नीशियम लगता है, जो जो लगता है ना तुम्हें, मैं सब देता हूं, ठीक है, तुम्हें सब दे देता हूं जो जो चाहिए। साले एक साल बाद ना शरीर बना के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। सिर्फ डब्बे खाने से तो जो अमीरों की औलादे तोंद ले लेके घूम रही है साले, ये नहीं बना लेते बे। मैटर ये करता है सिर्फ डब्बे खाने से नहीं। और एक मिनट, एथलीट्स जो होते हैं ना, और तुम्हें पता बॉडी बिल्डिंग इज ब्लडी वन ऑफ द कॉस्टलियस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। मैं ना एनाबॉलिक्स का सपोर्ट करता हूं, ना किसी स्टेरॉइड का। यहाँ प्रॉब्लम है ना कि लोगों के लगता पढ़ लिया, एनाबॉल डाल दिया, रीना डाल दिया, उनको लगा कि यार चलो डेका के मार लो, दो शॉट हो जाएगा। अबे वो पढ़ के गधों, सबसे बड़ी बात यह है बड़ी मेहनत करते हैं सुबह उठ के, यार सबसे पहले उठते हैं, जिम जाते हैं, पहले ट्रेनिंग खुद की करते, बाद में बेचारे ट्रेनर से ये लड़के। प्रॉब्लम ये है कि खुद से तो हो नहीं रहा है, जो उन लोगों ने बॉडी बनाई, मसल्स बनाई, मेहनत लगती है बे, मर जाओगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी साले। वन डिजिट में कभी जिंदगी में आया कभी तुम लोग का? वन डिजिट में फैट रखा है, मेंटेन किया है कभी? 10 से 15 के बीच में पूरी जिंदगी मेंटेन करना पड़ता है अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री के हो, नाप के ग्राम से खाना पड़ता है बे, मजाक है क्या? कौन ऐसा आदमी होगा जिसको पूरी जिंदगी 10-10 साल उबले पे रहना पड़ता है? प्रॉब्लम है। और मैं शाकाहारियों की स्पेशली बात कर रहा हूं, जो वीगन है या जो स्पेशली जो वेजिटेरियन है, उनका स्ट्रगल होता है। अब उसके बाद पूरी मेहनत लगी, कोई ने भी शरीर बना लिया, अच्छी मसल्स बना ली, चेस्ट बना ली, बाय ट्रैप बना के ट्रैप्स बना लिए, बंदे को देख के क्या बोलेंगे पता है? अबे साला इसने तो डब्बे खा लिए, तू खा ले आराम खोर, तुम लोग खा लो सालो। एग्जैक्ट किसी ने रोका है तुमको? किसी ने रोका है? और एक बात बताओ, क्या इन लोगों ने, जितने एथलीट्स हैं, जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने बंदे मेहनत करते हैं, क्या इनने तुम निकम्मे कमीनों से आके कभी बोला कि तुम अपनी किडनी में से मैग्नीशियम निकाल के दे दो सालो, या तुम अपना प्रोटीन अपनी हड्डियों से कैल्शियम निकाल के दे दो? नहीं मांगा ना, पैसे लगते हैं बे, हराम में नहीं आता है। तो मेहनत करते हैं लड़के जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड वाले, मैं उनके समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनकी बात करूं जो क्लीन बॉडी बनाते हैं, जो मेहनत करते हैं लड़के, मैं समर्थन करता हूं। और आप लोग यार इन गधों के कमेंट्स पढ़ के मैंने देखा कई बेचारे परेशान हो जाते हैं, कई नए नए एथलीट्स हैं, कई नए नए बॉडी बिल्डर्स जो हैं परेशान। अरे इनकी ऐसी तैसी है, हम लोग तो तब अखाड़ा करते थे जब कुछ नहीं चलता था, तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखना, आप अपनी मेहनत करके कमा रहे हो लोहा। ये हरामखोर है साले, इनसे घर में पानी की गिलास नहीं उठाई जाती, चम्मच नहीं उठा पाते हैं साले, ये तुम्हें बोलेंगे। इसलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, मेहनत करते रहो दोस्तों, मैं आपके साथ हूं। मुझे बताइएगा अगर मैं आपके कभी भी, कोई भी इस देश का बॉडी बिल्डर है जो मेहनत कर रहा है, जो जिम कर रहा है, जिम का ट्रेनर हो कोई भी, मैं अगर कोई भी मदद कर सकता हूं, मुझसे जो हो पाएगा, जुबान का पक्का आदमी हूं मैं, आपकी मदद करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।